गाइज आज की वीडियो में मैं जाने वाली हूँ एक 1 स्टार से लेकर एक 5 स्टार होटल तक, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन स्टार का मतलब क्या होता है और 1 स्टार के घटने या बढ़ने से हमारे एक्सपीरियंस पर क्या फर्क पड़ता है। तो गाइज अभी हम आ गए अपने 1 स्टार होटल जो कि मुझे मिला है 1000 रुपए में। बहुत छोटा कमरा है यार। हमको 1 स्टार में मिला एक मिरर जिसपे आप अपनी मस्त ऐसी सेल्फी वेल्फी खींच सकते हो। दीवारें भी अच्छी हैं यार, सफेद हैं बिल्कुल। बस कुछ लोग आए हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी कलाकारियाँ करी हैं। तो यहाँ पे एक टीवी भी है। इसका बोर्ड कहाँ है भाई, टीवी चालू कहाँ से हो रहा है? 1 स्टार होटल में हमको टीवी तो मिला है इस रूम में, बस टीवी चलता तो बढ़िया होता। होटल सोप बाय ड्यूक, साबुन रखा है। ये है इनका कबर्ड, और इस कबर्ड में आयुष ने देखो आते ही अपना कैमरा बैग रख दिया है। बहुत सामान आ सकता है गाइस, ऊपर भी कपड़े रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। किसी भी कंडीशन में ये एयर कंडीशन नहीं चल रहा है, इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है। पर जैसे अगर आप बोर हो रहे हो ना, इसके अंदर ऐसे हाथ डाल के इसको थपथपा दो, अपने बॉयफ्रेंड का गुस्सा इसको मार के उतार लो। यहाँ हमको 2 विंडो मिली हैं क्योंकि एसी काम नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स इंसान को हवा के लिए विंडो तो देंगे ही ना भाई। ज्यादा बाहर मत ले जा, सामने वाले के रूम में क्या चल रहा है सब दिख जाएगा। ये भी हमको मिला था। लग गई, दिखने में तो बहुत बढ़िया है, बस इसका गद्दा इतना ज्यादा सख्त है ना, गुदगुदा सा नहीं है। इस होटल रूम में हमको चद्दर साफ मिली है बस भाई, चद्दर की सफाई तो पूरी है यहाँ पे, बट यार तकिए पे बाल ही बाल है। पानी तो आ रहा है। बाल्टी मिली है, एक बाल्टी का मग्गा मिला है, एकदम कलर थीम बना के रखी है इन्होंने। शावर भी मिला है। 1 स्टार होटल में हमको गीजर भी मिला है, बस इसका प्लग फूका हुआ है पीछे से। टीवी मिला है तो रिमोट और टीवी दोनों नहीं चल रहा, एसी मिला तो एसी चल नहीं रहा, गीजर मिला तो प्लग फूका हुआ है, सब चीज खराब है। सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए यहाँ पे एक डस्टबिन भी रखा है। 6 लोग आ रहे हैं यहाँ रुकने के लिए कि डस्टबिन होते हुए भी गुटका यही थूका है, कहीं कैमरे तो नहीं लगे? अगर इनका वाला लगा हो तो मैं अपना बंद करूँ, उसमें व्लॉग कर लेती। इससे समझ जाए ये फोन भी मर चुका है। कुछ चीजें ना शोपीस होती हैं खाली जगहों को भरने के लिए, जैसे हम लोग सीनरी नहीं लगाते हैं घर पे, हाँ तो इन्होंने लगा रखी टीवी एसी और उसके बाद ये फोन। ये 1 स्टार होटल बनी तो है थोड़ा सा, देखो। तो गाइस अभी मैं आ गई अपने 2 स्टार होटल में और ये मुझे मिला है 1130 रुपए। वेलकम टू द 2 स्टार होटल। 2 स्टार होटल में सिक्योरिटी का जो ध्यान रखा गया है काफी उम्दा है। ये कील यहाँ से अगर निकल गई, ये यहाँ से निकाल दिया, अब इस 2 स्टार होटल के रूम में कुंडी नहीं है, कोई भी आ सकता है। 1st स्टार के मुकाबले में यार 2nd स्टार की एंट्री गेट बढ़िया है, बढ़िया मस्त अपना कार्ड वार्ड भी लगा रखा है। कार्ड लगते हैं यहाँ पर, ये तो मुझे पता था, पर ये विजिटिंग कार्ड से कौन अपनी लाइट ऑन ऑफ करने के लिए रखता है यार। यहाँ पे बढ़िया मस्त एक लैंप भी लगा हुआ, लैंप लगा हुआ है, जलना ना जलना उसकी खुद की मर्जी है। और इस होटल में हमको
टीवी नहीं मिला है। हो सकता है कि यार इनका विजन अलग हो यार, कि मतलब अपना घर से लाओ लगाओ और देखो और फिर जब जाना हो अपना ले जाओ साथ में। यहाँ पे हमको एक कुर्सी भी मिली है। बैठने से मतलब है ना, कुर्सी पे बैठो टेबल पे बैठो। लोकर वोकर सब है। वन स्टार का कबर्ड बहुत छोटा सा था और यहाँ हमने अपग्रेड करा है। पैसे वैसे लाओ अपना लोकर में रख दो, पर इस रूम में तो कुंडी नहीं है। ऊपर का कबर्ड तो पूरा साफ है, बस नीचे के कबर्ड की सफाई। बाल वाल पड़े हुए हैं, कोने में भी बाल हैं। और वहाँ हमको मिला था एक विंडो एसी, पर इस टू स्टार होटल में हमको मिला ये वाला। ये महंगा एसी है, इसका रिमोट देख, तो रिमोट का ये ड्रोर नहीं है। एसी का ना रिमोट है, ना एसी का कोई प्लग है, ना कहाँ से एसी ऑन ऑफ होगा कुछ पता है। तो ये एक नॉर्मल एसी नहीं है, ये एक राज एसी है। और मुझे टू स्टार का बेड वाकई बहुत पसंद आया। पहली बात तो ये कि ये पहले वाले के मुकाबले में ज्यादा साफ है और काफी ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज है। सिर्फ साफ ही है, गद्दे में कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों का सेम ही है। चद्दर साफ कर रहे हो, ब्लैंकेट साफ कर रहे हो, तकिया कितना गंदा है। आ जाओ, टू स्टार का वॉशरूम बड़ा है और यहाँ पे ये भी लगा हुआ है। टू स्टार में हमको ये मिलता है कपड़े सुखाने के लिए, टट्टी करने के लिए जगह तो होती है। मुझे लग रहा था गीजर नहीं है यहाँ पे। गीजर भी है, ऊपर लगा हुआ है और गीजर चालू भी हो गया है। यहाँ देखो ध्यान से, जंग लगा हुआ है इसके ऊपर, इतना गंदा हो रखा है ये। कम से कम फर्स्ट स्टार में हमको एक ढंग का साबुन, पैकेट वाला साबुन तो मिला था। इससे पहले यहाँ पर जो भी लोग हैं इसी से हाथ धो के गए हैं। अब तुम भी अपना इसी के साथ देख लो। मेन गेट पे कुंडी मत लगाओ, बाथरूम में कुंडी मत लगाओ, कहीं कुंडी मत लगाओ। काफी खुले विचार का होटल है, ओपन फॉर एवरीथिंग एवरीवन। यही था जो था। तो गाइस अभी मैं आ गई अपने 3 स्टार होटल में, जो कि मुझे मिला है पूरे 2700 रुपए। बढ़िया एंट्रेंस है यार। It just got real. Say how you feel. Got niggas mad. Nigga, that's too bad. Up on my dick. अरे अंधेरा क्यों है, लाइट कहाँ से जलेगी? ओ भाई साहब, कुछ है। 3 स्टार में आती सबसे पहले अगर कुछ हमें मिली है तो मिली है एक अच्छी प्रॉपर सिक्योरिटी। कुंडी ठीक से काम कर रही है। दूसरा ये लगा हुआ है यहाँ पे जिससे हम चेक कर सकते हैं कि दरवाजे पे कौन है। ये है लाइट, चली गई लाइट, आ गई। 3 स्टार में कार्ड मिला था, विजिटिंग कार्ड, ऐसा दिखता है प्रॉपर। और यहाँ हमको मिला है एक बढ़िया सा शानदार मिरर। फोटोरा कट दी रहनी है, हंसती रहनी है, नचती रहनी, होर की देली मेरे करके रील बन जाएगी शीशे के आगे। मस्त वॉलपेपर लगा हुआ है, पीछे ये एम्बियंस लाइट लगी हुई है। तो ये वाली चीज जो है ये हमारी 3 स्टार में आई है। टीवी मिला है, इसका सेट टॉप बॉक्स क्यों नहीं चल रहा? इनकी कोई गलती नहीं है। पहले में हमको टीवी मिला था पर नहीं चल रहा था। 2 स्टार में हमको टीवी नहीं मिला था और 3 स्टार में हमको टीवी मिला है और टीवी चल भी रहा है पर सिग्नल नहीं आ रहे। तो ये धीरे 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 अपग्रेड होगा। 3 स्टार में एक बात का और ध्यान रखा हुआ है कि इन्हें पता है कि यार बाहर से बंदा आएगा तो प्यास तो लगेगी, तो इन लोगों ने पानी का इंतजाम पहले से ही कर रखा है। ओ, कुछ याद आया? ये वही सेम कुर्सी है जो हमें 2 स्टार में मिलते मिलते रह गई थी, पर 3 स्टार में ये मिली है। ये सेक्शन जो हमें कहीं नहीं मिला था, ना 1 स्टार में मिला था, ना 2 स्टार में मिला था।
बढ़िया पर्दे लगा रखे हैं। थ्री स्टार में हमको बालकनी भी मिली है एक। बंद हो जा भाई। जैसे जैसे स्टार अपग्रेड हो रहे हैं हमारे, वैसे वैसे हमारी कबर्ड भी अपग्रेड हो रही है। काफी सारे सेक्शन है इसमें, यहाँ पे अपने कपड़े भी टांग सकते हैं। डर्टी सी हो रखी है, पुरानी पुरानी सी। देखिए थ्री स्टार में आपका एक एसी भी आएगा। अब एसी चलता हुआ आएगा या रुका हुआ आएगा ये तो हमको रिमोट बताएगा। एसी मिला भी है, लगा भी है और चल भी रहा है। थ्री स्टार होटल है ना, तो थ्री स्टार वाला बेड भी है। चाहे सफाई में कह लो, चाहे स्मेल में कह लो, इतनी बढ़िया स्मेल आ रही है। और हाँ, इसमें स्प्रिंग भी काफी अच्छे लगे, बहुत कंफर्टेबल है। इसे भी कोई जला गया, अपग्रेड होटल ही हो रहा है, लोग थोड़ी हो रहे हैं। गैस सेंसर, यहाँ पे कोई स्मोक करता है या कोई अगरबत्ती जलाता है या अपना आकर यहाँ आलू पराठे सेकता है, किसी भी तरीके की आग लगेगी रूम में तुरंत पता चल जाएगा। इतना सेफ्टी का, सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। और सेफ्टी और सुरक्षा का हमारे वन स्टार और टू स्टार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। उनकी बला से तो अभी आग लग जाए उनके होटल में। ये है हमारे थ्री स्टार, रुक जा यार, इसको बड़ी जल्दी है खुलने के, बाबर खुल रहा है। ये हमारे थ्री स्टार होटल का थ्री स्टार वॉशरूम। ओ निशु निशु, इसमें मेरी आवाज गूंज रही है। जैसे जैसे हमारे स्टार्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे वॉशरूम का साइज भी बढ़ रहा है। वन स्टार में हमारा वॉशरूम था इतना, टू स्टार में इतना, अब हम आए थ्री स्टार में तो वॉशरूम है इतना। एक जगह मिला हमको साबुन, एक जगह तो हमको मिला यूज्ड साबुन। थ्री स्टार में हमको हैंड वॉश तो मिल रहा है, यहाँ पे हमारे लिए एक बॉडी वॉश भी है। ये कपड़े सुखाने वाली चीज मेरे हिसाब से वन स्टार में नहीं मिलती, बस टू स्टार से ये बाथरूम में ऐड हो जाती है। पहले दो होटल्स में हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा था, वॉशरूम मिल रहा था। पर थ्री स्टार में वॉशरूम तो मिला ही मिला है, पर वॉशरूम में सामान रखने की जगह भी मिली है। यहाँ अपने कपड़े रखो, ये तो सिंक है, यहाँ पे भी अपना कुछ भी रख सकते हो आप। इसके बारे में भी बताना पड़ेगा क्या? देखो ये तो आपको हर वॉशरूम में मिलता ही है, चाहे आप सुलभ शौचालय में क्यों ना चले जाओ। पर यहाँ पे एक चीज बिल्कुल भी कॉमन नहीं है और वो है हमको मिल रहा है भागते हुए पंखा पंखा पंखा। जहाँ हमारे टू स्टार में तो रूम में डस्टबिन नहीं था, वहाँ हमारे यहाँ पे थ्री स्टार में वॉशरूम में भी एक डस्टबिन है। दिस इज गीजर, गीजर चलता भी है। रिसेप्शन पे अगर हमें बात करनी हो तो नो दबाओ, किचन में बात करनी हो तो 111। हेलो, इससे पता चल गया फोन है और फोन काम भी कर रहा है। हमको यहाँ पर मेन्यू भी मिला है। एक स्टार लगते ही सर्विस कैसे अपग्रेड हुई है। हेलो भैया, मेरे को ना 301 में दो कप चाय और एक फ्रेंच फ्राइज। रूम सर्विस भी काम करती है। थ्री स्टार में इतनी चीजें अपग्रेड हुई है, सोचो फाइव स्टार में आगे क्या क्या अपग्रेड होगा। एक स्टार अपग्रेड हुआ है ना तो प्रॉपर्टी भी बहुत अपग्रेड हुई है। 12वें मंजिल पे है हमारा रूम। इसके रूम के बाहर भी सिर्फ ये नहीं लिखा नॉर्मल रूम रूम, देखो एक स्टार बढ़ने से सूट लिखा है इसके ऊपर। सूट मतलब सूट, सलवार वाला सूट। सूट मतलब अच्छी चीजों को सूट बोलते हैं बड़े लोग, खराब चीजों को सलवार। 4 स्टार में आई हूँ, गेट खोलने की चाबी बदल गई है, देख रहे हो। शांति कितनी है यहाँ पे। पर अब तू आ गई ना शांति भंग करने। तो गाइज ये है हमारा 4 स्टार होटल का रूम जो कि मुझे पड़ा है पूरे 4,000 रुपये में, और 3 स्टार के मुकाबले में ये मुझे 1,200-1,300 रुपये महंगा पड़ा है। तो देखते हैं प्राइस ही अपग्रेड हुआ है या चीज़ें भी अपग्रेड हुई हैं। 4 स्टार में हमको ये लॉकर मिला, मतलब अगर कोई पैसे वाला है तो उसके लिए 4 स्टार बेटर है, और पैसा तो हम पे है ही ना। ये वो चीज़ है
जो मुझे पिछले किसी होटल में तो नहीं दिखी। स्टार्टिंग में सिटिंग एरिया बना दिया है और यहाँ पे नीचे मस्त अपना बैग वैग रखने के लिए स्पेस भी है। यहाँ पे है प्यारा सा शीशा और प्यारी सी मैं। पिछले तीनों होटलों में जैसा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, कहीं टीवी था तो कहीं टीवी था ही नहीं, कहीं टीवी था चल भी रहा था सिग्नल नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं 4 स्टार में क्या सीन है। ये अब तक का सबसे बड़ा अपग्रेड है। यहाँ पे दूध, चीनी, चाय पत्ती, कॉफी कप, किसी में तो पानी भी नहीं था और यहाँ कॉफी बनाने का सामान रखा हुआ। यहाँ पे हमको मिली है एक बहुत बढ़िया सी चेयर। 4 स्टार में वह बंदा आएगा जिसके पास अच्छे खासे पैसे होंगे और पैसे तब होंगे जब वो कुछ काम करता होगा, और काम करने वाला आएगा तो ऑफिस टेबल तो चाहिए। तो 4 स्टार में हमको मिली ये ऑफिस टेबल और ये। तो भाई जितने भी खाने पीने के शौकीन लोग हैं, जिनको शौक है खाने पीने का, तो उनको यार कम से कम 4 स्टार तो लेना ही चाहिए कि ताकि से ठेके से सॉरी पेप्सी वेप्सी जो भी वो लाएं अपना फ्रिज में रखें। इन्होंने अपना यहाँ पे स्कैनर लगा रखा है और लिखा है स्कैन एंड ऑर्डर। यहाँ पे फूड मेन्यू नॉर्मल वाली नहीं कि कॉफी खोली तंदूरी नान भेजो ये भेजो, यहाँ पे पूरा प्रॉपर स्कैन करो जो मन करे वो मंगा लो। डिजिटल इंडिया। यहाँ हमको मिला एक शानदार गद्देदार सोफा और मस्त अपना खाना वाना खाने के लिए एक बड़ा यूनिक सा टेबल भी है, और एक लैंप यहाँ मिला है भाई। गद्दा भी काफी अच्छा है और काफी सॉफ्ट भी है। क्लीननेस का पूरा ध्यान रखा गया है, काफी आर्टिस्टिक वाइब रखी हुई है इस रूम की। 1 स्टार में तो हाथ से खुद ही कर रखा था आर्ट। और भाई जब 4 स्टार में कोई आता है ना, काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं तो गला सूख जाता है इंसान का प्यास के मारे। तो इन लोगों ने काफ़ी सारा पानी रख रखा है, 1, 2, 3, 4 बोतल रखी हुई, 1 गिलास रखा हुआ है। ये ड्रॉर है गाइस। और भाई 4 स्टार में हमको एक और चीज़ अपग्रेडेड वर्जन में मिली है, वो है यहाँ का AC। ये बिल्कुल फिटेड AC है जो होटल जब बनता है तभी लगता है। वैसे तो ये खुद ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल रखता है जैसा आपका रूम का टेम्परेचर होना चाहिए। आप खुद से भी कर सकते हो वरना नहीं भी करोगे, जैसे मेरे जैसे जो लोग आते हैं 4 स्टार्स में जिनको समझ में नहीं आता है कम ज़्यादा कैसे करना है, तो उनके लिए खुद अपना सिस्टम बना के रखते हैं कि तुम दिमाग मत लगाओ हो जाएगा। अब हम देखने जा रहे हैं हमारे 4 स्टार होटल रूम की सबसे मेन चीज़। वहाँ पे ये सीन था पिछले होटल्स में कि यहीं हगो और यहीं नहाओ, पर 4 स्टार में जब पैसा अपग्रेड हुआ है, स्टार अपग्रेड हुआ है, तो उन्होंने कहा देखो वहाँ हगो और यहाँ नहाओ। शावर भी है और इसमें हैंड शावर भी है। 2 स्टार और 3 स्टार में ये वाली चीज तो थी जहाँ कपड़े सुखाते, बट तौलिये नहीं थे। यहाँ हमको तौलिये भी मिले और ये वाला तौलिया तो मिला ही मिला है। यहाँ पे हैंड टॉवल भी है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपना मस्त शैम्पू, साबुन मैंने पहले यूज कर लिया था, ड्रायर भी है, और ये है इनका फोकस मिरर। फोकस कर भाई कैमरामैन। तो मेकअप करने के लिए ये मिरर लगाया जाता है कि पास से ऐसे मिरर कर ले। तो ये तो पूरा सेक्शन ही मैं बोलूंगी कि सिर्फ और सिर्फ 4 स्टार में मुझे देखने को मिला है जो बढ़िया तरीके से अपग्रेड हुआ है हमारे स्टार का। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ 5 स्टार होटल में जो कि मुझे पड़ा है पूरे 12,000 रुपए में। दाम यो 30 in a clip, drop 100 on a zip. All I see is blue faces, you would thought I was a crib. चीजें ही अपग्रेड नहीं होती है, खुशबू, एम्बियंस सब अपग्रेड होता है। नाइस। ओके, ये चीज़ ये जो लाइट लगी हुई है ना, ये सिर्फ मुझे अपने इसी होटल में देखने को मिली है 5 स्टार में। ये लोकर तो 4 स्टार में भी था, बट ये बाथरोब और ये हैंगर्स ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। चप्पल भी है और नीचे अलग से सेक्शंस बने हुए हैं यहाँ सामान रखने के लिए। तो जो भी अपना बहुत सारा सामान लेकर बाहर निकलते हैं उनके लिए 5 स्टार बेस्ट है, पैसे हो तो कर सकते हैं। और भाई कबर्ड सेक्शन में एक चीज़ और जो मुझे सिर्फ 5 स्टार में देखने को मिली है, वो है ये आयरन। यहाँ पे फिक्स है क्या, देख लो ऐसे ही देख लो, इधर आ जाओ। और ये है हमारा कॉफ़ी सेक्शन, यहाँ पे कॉफ़ी पाउचेस वगैरह रखे हुए हैं। लाइट भी जल रही है। ये हमको 4 स्टार में भी मिला था, 5 स्टार में भी मिला है, और वहाँ पे भी खा ली था, यहाँ पे भी खा लिया है। ये है ना कुछ अलग चीज़। 1 स्टार बढ़ती पानी की बोतल क्लासी हो जाती है बिल्कुल। Thank you.
पूरे रूम्स में एक वहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ पे है, और एक ये जो पीछे टेबल पे रखा हुआ है। ये जो लैंप्स लगे हुए हैं ना भाई, ये इतने क्लासी लग रहे हैं। और भाई ये है मेरे 5-स्टार रूम का 5-स्टार टीवी। ये 5-स्टार का टीवी है जो मुझे चलता हुआ मिला है, खुद ही लिखा हुआ है रेडिसन ब्लू, हाँ मैं चलता हूँ। और ये वाला तो भाई पूरा सेक्शन ही ऐसा ही था, 4-स्टार में भी सेम था, और ना ही इस सोफे में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं, बस थोड़ा सा गद्देदार ज्यादा है। और हाँ, इसमें ये चीज ऐड ऑन हो गई है, तो ये पैर रखने वाली चीज जो यहाँ पे मिली है, यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है यार। और गाइस ये है हमारे 5-स्टार रूम का 5-स्टार किंग साइज बेड। काफी ज्यादा सॉफ्ट है बेड, ये इतना वाइट है, इतना वाइट है, मेरे दांत इतने सफेद नहीं है, देखो। बात सही है, मेरा पूरा परिवार सो सकता है इस एक ही बेड पे, इतना बड़ा है ये। एसी भी सेम ही है, 4-स्टार में भी ऑटोमेटिक एसी था, 5 में भी यही है। बाकियों के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा साफ है, हाथ धो लेती हूँ, वरना ये कमेंट करेंगे ए दीदी टट्टी चिल के हाथ भी नहीं धोई। दीदी तोलिया नहीं है यहाँ है, पर वहाँ पे यार पिछले होटल में हैंड टॉवल था यार, यहाँ नहीं है क्या? मेरा यहाँ पे हमें बहुत सारी टॉयलेटरीज मिली हुई है। ये क्या है? बॉडी लोशन है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना। ब्रश और कोलगेट मिला हुआ है, ये देखो। अबे डायल कहाँ से होगा? अरे ये देना। हेलो, यस मैम, मैं ये 694 से बात कर रही हूँ। यस मैम। मैम ये वॉशरूम में टॉयलेटरीज तो है ही नहीं, मैं भिजवा देती हूँ मैम। थैंक्स। टट्टी में बैठे बैठे पोल लगाओ और अपना सामान मंगाओ भाई, शैम्पू भेज दो, साबुन भेज दो, तोलिया भेज दो, तकिए भेज दो, सब भेज दो। ये यहाँ पे नहाने वाला सेक्शन, हट यार तोलिए खुल जा। सॉरी भाई, कितना सही है, कितना बढ़िया है, देख मैं ले लूं। तूने 12,000 रुपए खर्च करे हैं, तो बढ़िया वाला कंडीशनर भी है। भाई ये तो गलत है यार, अगर मेरे को किसी से पतला लेना अपनी टट्टी दिखा के, तो ये पर्दा हटाओ और यहाँ टट्टी करो। और इस 5-स्टार होटल में हमको रूम के साथ साथ मिली थी और भी एमिनिटीज। खाने का एक्सेस थोड़ी है, बस यहाँ बैठने का है।